नमस्ते, फिर से स्वागत कर रहा हूँ मैं के सिन्हा आप सबका। एक दोस्त ने कमेंट करके लिखा है कि वो किसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन उनको प्रोडक्ट बेचना नहीं आता, प्रॉब्लम आ रही है प्रोडक्ट बेचने में। तो सोचा आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँ आप सबके लिए। ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ सेल्स के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी। दूसरी बात, एक्स्ट्रा एक और टॉपिक इसमें बताने जा रहा हूँ कि आप सब कुछ बेच सकते हैं। कैसे बेच सकते हैं ये एक छोटी सी स्टोरी से मैं आप सबको बताने वाला हूँ। इससे पहले आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल में, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा प्लीज। एक छोटा सा बच्चा, एक दिन उसने अपना जो एक बैंक था वो पैसा जमा करने वाला, एक छोटा सा एक बैंक होता है जो आपके घर में भी हो सकता है, उसको उसने तोड़ डाला। तोड़ने के बाद वहां से जो पैसे थे उसको काउंट करने लगा। पहली बार काउंट किया, थोड़ा उसको शक लगा, शायद कम हो सकता है, शायद मिस्टेक हो सकता है, दोबारा काउंट किया। फिर तीसरी बार उसने काउंट किया। काउंट करने के बाद उस डब्बे से, उस छोटे से जो जमा करने का जो बैंक होता है छोटा सा, उससे निकलता है 25 रुपये। वो उस पैसों से चला जाता है एक फार्मेसी के दुकान पर। वहां पर जाकर कुछ टाइम रहता है क्योंकि वहां पर लोग थे, दवाइयां खरीद रहे थे। तो बच्चा वहां पर खड़ा हुआ था, तो जब थोड़ा खाली हुआ तो फार्मेसी में जो बंदा खड़ा था उसने इस बच्चे को देखा। बच्चे को देखकर पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? तो बेटा, वो जो बच्चा है वो बोला, अंकल मुझे मिराकल चाहिए, चमत्कार चाहिए, मेरे पास पैसे हैं चमत्कार खरीदने के लिए, आप ये रख लीजिए और चमत्कार दे दीजिए मुझे। तो ये शौक होने लगा, क्यों चमत्कार चाहिए? तो बोलने लगा कि मेरी बहन बीमार है, पिताजी ने कहा है उसको आप सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है, तो मैं चमत्कार खरीदने के लिए आया हूँ। अगर कुछ कम पड़ रहे हो तो मैं बाद में आकर आपको दे दूंगा, बताइए आप चमत्कार के कितने पैसे लेते हैं? तो जो बंदा खड़ा था वहां पर वो बहुत मतलब दुखी हुआ इस बात को सुनकर। फिर वो एकदम स्लोली, आहिस्ता से, दुखी मन से बोलने लगा, बेटा हम लोग चमत्कार नहीं बचते। फॉर्चुनेटली वहां पर एक आदमी खड़ा था, उसने ये बात सुना और उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछने लगा, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा, उस वो जो लड़का है वो बोलने लगा कि अंकल मुझे चमत्कार खरीदना है, कह रहे हैं यहाँ पर चमत्कार नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, अगर कम पड़ रहा है तो मैं और देने के लिए, थोड़ा देने के लिए तैयार हूँ। तो बंदा पूछने लगा, यहाँ पर जो आदमी खड़ा था वो पूछने लगा, आपको चमत्कार क्यों चाहिए? तो लड़का बोलने लगा, मेरी बहन बीमार है, उसके ब्रेन में कुछ है जो बढ़ रहा है, पिताजी डॉक्टर के पास ले गए, उसको ऑपरेशन करना है, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा लगता है कि पिताजी दे नहीं सकते, इसलिए पिताजी बोले कि अब सिर्फ चमत्कार ही उसे बचा सकता है। बंदा पूछने लगा कि आपके पास कितने पैसे हैं? बोला 25 रुपये। तो वहाँ पर जो आदमी खड़ा था उसने बोला कि मेरे पास भी एक चमत्कार है, शायद आपके 25 रुपये में वो हो सकता है, काफ़ी है 25 रुपया। बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको देखकर इसने बोला, वो आदमी बोला कि आप मुझे अपने घर पे ले जाइए, अपने बहन के पास। लेके गया, ले जाने के बाद वहाँ पर उसके बहन को देखा, देखने के बाद उससे पिताजी से बात की, पिताजी से बात करने के बाद पता चला तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया उसको लगता है ऑपरेशन करने के लिए। वो बहुत गरीब थे, उन लोगों के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं था तो ऑपरेशन नहीं कर पा रहे थे। तो चमत्कार ये हुआ कि वो जो आदमी जो गया था उस बच्चे के साथ, वो एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, मालिक था। उसने इस लड़की को उठाया, उसको लेके गया, वहां पर जाने के बाद उसका ऑपरेशन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑपरेशन करने के बाद वो बच्ची ठीक हो गई। तो उस लड़के को उसके पिताजी ने बोला, पूछा कि बेटा ये तुमने चमत्कार कैसे किया? तो बच्चा बोलने लगा, पापा 25 रुपये में, क्योंकि उसने 25 रुपये ही ऑफर किए थे उस आदमी को। तो दोस्तों, यह था विश्वास, कॉन्फिडेंस। आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है इसलिए आपका सेल नहीं हो रहा है,
कॉन्फिडेंस जब कम जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, चाहे सेल कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं, विश्वास, विश्वास रखिए कि आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, अगर प्रोडक्ट नहीं चलता तो कंपनी बनाती नहीं, नहीं तो कंपनी घाटे में चली जाती। कंपनी बना रही है मतलब उसको यूज करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं मतलब सेल करने वाला है, सेल करने वाला है इसलिए कंपनी निकाल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप बस कॉन्फिडेंस को रखिए, विश्वास को रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। चमत्कार धरती पर होता है, यहां पर चमत्कार होता है। ये जो स्टोरी जो मैंने बताई ये भी एक चमत्कार है, आप इसी चमत्कार को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। सामान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रोडक्ट को लेकर आप बाजार में जा सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आप उसे बेच सकते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज रखिए, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट की मैंने एक वीडियो बनाया था फीचर्स एंड बेनिफिट्स का, कैसे प्रेजेंट करें प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा क्या करना है, प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको पता चलना चाहिए, जरूरी है। कस्टमर रिलेशन कैसा रखना है वो भी जरूरी है। अच्छा सेल्समैन बनने के लिए आपको गुड लिसनर बनना पड़ेगा, उसके लिए भी ऑलरेडी मैं दो तीन उस टॉपिक पर दो तीन वीडियो मैंने दिया हुआ, वो भी देख सकते हैं। सेल्स के रिलेटेड जितने सारे वीडियोस मेरे चैनल में है आप उसे जरूर देखिए, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं आप आसानी से। ठीक है, सेल करना बहुत आसान है, दुनिया में 80% पैसा सेल पर है, सेल्स जो ज़्यादा करता है वही ज़्यादा पैसा बना पाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन जिन लोगों को क्वारीज है, कोई भी टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिस पर सेल्स रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, अगर कोई भी वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो आप कमेंट बॉक्स में यहां पर लिख सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा, ये जरूर आप कमेंट में लिख लीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज कृपया लाइक का बटन दबाइए और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग आपके साथ हैं जो सेल्स से रिलेटेड है उन सबको आप ये भेजिएगा, या फिर जो लोग काम कर रहे हैं जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो है उन लोगों को तो आप ये जरूर 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 भेजिएगा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। आपका दिन हमेशा अच्छा जाएगा, आप हमेशा सब कुछ बेच सकते हैं, याद रखिए सब कुछ बिकता है। आप सबका बहुमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।